स्वतंत्रता दिवस है, सबके पूरे देश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं कि ये जो है बहुत भारी कुर्बानियों से मिला है। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है आजादी की लड़ाई में, जब ये दिन देखने को मिला है। यही है कि हम सब मिलके इसका जश्न मनाए और देश को और मजबूत करें, आगे बढ़े सब मिलकर। जिस तरह से चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी किस तरह से है? हरियाणा के चुनाव है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और जो मैं सारे हरियाणा में घूम रहे हैं और जो एक संकेत आ रहा है लोगों की तरफ से, 36 बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है, जो ओलंपिक खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक के, उसको लेकर 17 तारीख को यहाँ पर आ रही है। मुख्यमंत्री आ रहे संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि भी यहाँ पर जो खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा। लगातार जो कांग्रेस जो बीजेपी है खिलाड़ियों के मान सम्मान कर रही है। ये तो कांग्रेस की नीति है, करना चाहिए। देश का जिन्होंने नाम बढ़ाया उनको सबको सम्मान करना चाहिए। हमने ये हमारी नीति बनाई थी, हमने किया, और देश हरियाणा को तो गर्व है। हरियाणा चाहे ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ हो, हर बारी सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है। लेकिन जो हमारी नीति खेल नीति थी उसमें तब्दील की गई, वो सम्मान नहीं मिला। जैसे विनेश फोगाट है, उसको जो गोल्ड मेडल का मान सम्मान है, इनाम है, वो मिलना चाहिए। ये मैं हम कह चुके हैं। हरियाणा सरकार का दायित्व है, वो यही बनता है उसको जो गोल्ड मेडल का मान सम्मान और जो इनाम देते हैं वो देना चाहिए। आप पंचायत भी कह रहे हैं गोल्ड मेडल से हम सम्मानित करेंगे, करना चाहिए, डिजर्व करती हूँ।